कहते मजलिसे करके कभी ये ना कहिएगा कि बहुत कर लिया, सब कुछ अगर लुटा दिया जाए फिर भी कुछ ना किया। ये तो रूहे हुसैन से पूछिए ना। हुसैन किसे कहा जाता है? हुसैन की जबान से मीर अनीस ने मुनाजात कही है ना, उस मुनाजात का एक शेर पढ़ना चाहूंगा जो रूहे करबला है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक शेर में रूहे करबला और कुल्ले करबला बताइए, तो मीर अनीस के शेर को पढ़ दिएगा, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन। बहुत गौर करिएगा, हाथ खाली, अल्लाह अल्लाह, सब कुछ लुटा देने के बाद हुसैन ये कह रहा है, हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन, कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन, कोई तोहफा तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि आखिर आखिर घोड़ा नफीस जानवर होता है, वो तो पहचानता है, वो तो पहचानता है करबला में बैल जो हल जोते जाते थे वो कब्र हुसैन तक न गए, तो आखिर सीने हुसैन पे घोड़े कैसे दौड़ गए, इन्हें तो न दौड़ना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि इसलिए कि हुसैन का सीना महफूज था, हुसैन अपना सीना भी राहे खुदा में देना चाहते थे। काम मैं तो अपना सीना भी बचा के रखना नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह अगर मेरा सीना महफूज है ना, इसे भी तेरी राह में देना चाहता हूं। तो ये तो हो गए बातिनी, और ये तो हो गए बातिनी।